कई सारे मूवीज में आपने देखा होगा कि किसी एक व्यक्ति में अननोन वायरस के कारण वो जॉम्बी बन जाता है और वो एक व्यक्ति एक एक करके पूरे कॉलोनी को जॉम्बी में तब्दील कर देता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के विषय में बात करेंगे कि रियल में जॉम्बी होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक शब्दों में कहा जाए तो इंसानों में अभी तक जॉम्बी का किसी तरह का लक्षण नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉम्बी नहीं पाए जाते। रियलिटी में जॉम्बी पाए जाते हैं, लेकिन इंसानों को छोड़कर किसी और जीवों में। एनालोसिमस नामक मकड़ी ये झुंड में रहना पसंद करती है। इन्हें अपने सभी साथियों से काफी ज्यादा लगाव होता है। इनकी जिंदगी में उथल पुथल तब मचता है जब जटाईपोटा इसके पेट में अंडा देती है। ये जटाईपोटा की लार्वा कुछ ही समय बाद उस मकड़ी के पूरे दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है। ऐसा ये अपने हार्मोन से करते हैं जो इनके पेट के अंदर छोड़ता है, और ये हार्मोन धीरे धीरे इसके दिमाग तक पहुंच जाते हैं, जो अब इन लार्वा के कंट्रोल में इनका दिमाग हो जाता है। जब यह लार्वा अपने इसमें जबान पर कंट्रोल करता है तो यह इसे एक जॉम्बी जैसे प्राणियों में तब्दील कर देता है, जो अपने साथियों से दूर भटकने पर मजबूर हो जाता है। और यह लार्वा इस हद तक मकड़ी को प्रभावित करता है कि प्यूपा चरण के लिए कोकून का निर्माण करने पर मजबूर करता है। ये खौफनाक मंजर यहाँ पास भी नहीं रुकती है। जब ये कोकून में जाने के लिए इस मकड़ी के पेट को फाड़ कर बाहर निकलती है तो इस मकड़ी को खाने लगती है, और खाने के बाद ही उस कोकून में एंटर करती है। ये कहानी तो मकड़ियों के साथ होती है, लेकिन इसी तरह से चींटियों के साथ, कैंपोनोटिनिन प्रजाति के चींटियों के साथ भी होती है। जॉम्बी आंट फंगस नाम के फंगस इन चींटियों के पेट में इंटर करती है और सेम उसी तरीका से इसके दिमाग पर कंट्रोल पा लेती है, और इसे भी इनके झुंड से बाहर ले जाकर खुद के विकसित होने वाले एनवायरमेंट में इस चींटी को जाने पर मजबूर करती है। और जब उस स्थान पर पहुंचती है तो धीरे धीरे करके इसके सिर के ऊपर से बाहर निकलने लगती है, जिससे उस चींटी का वहीं पर डेथ हो जाता है।